नमस्कार साथियों, जय भीम। अंबेडकर नामा में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन के सामने अंबेडकर साहब के बयान की और उन्होंने जो लिखित मेमोरेंडम दिया था उसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं अपनी ओर से दो स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। पहला स्पष्टीकरण यह है कि जब हम किसी व्यक्ति को, चाहे गांधी को पढ़ें, अंबेडकर को पढ़ें, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ें, कार्ल मार्क्स को पढ़ें, किसी को भी जब पढ़ते हैं तो उसमें ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक इंडिविजुअल का एवोल्यूशन होता है, उम्र के हिसाब से, अध्ययन के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से विकास होता है। तो इसलिए जब अंबेडकर साहब की बात की जाए तो इसका मतलब सिर्फ 22 प्रतिज्ञा और संविधान नहीं है, उसके पहले एक लंबा क्रम है जो कि अध्ययन से लेकर यूएसए और ब्रिटेन में पढ़ने के साथ और बाद में उनके शोध से लेकर सब जुड़ा हुआ है। तो कई मुद्दों पे उनके विचार बनते बिगड़ते होते हैं, उनका विकास होता है, बदलाव होता है। तो इस तरीके से एक इंटेलेक्चुअल को, एक स्कॉलर को इस तरीके से पढ़ा जाता है, इसलिए वो भक्ति के नजरिए से नहीं पढ़ा जाना चाहिए बल्कि एक एवोल्यूशन के तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं जो आपके साथ जो बातें साझा करता हूं वो कोई भक्त या नेता की तरह बात नहीं साझा करता हूं। एक प्रोफेशनल जो इतिहास का छात्र हो सकता है, एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन जो पढ़ता है और समझता है, वही बात मैं आपके सामने प्रमाण के साथ, पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर तमाम प्रमाण के साथ मैं आपसे साझा करता हूं। तो इतिहास में हमारी ट्रेनिंग है, मैंने पीएचडी की है, 23 वर्ष से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय का ही छात्र रहा हूं बीए से लेकर पीएचडी तक। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें सिखलाया जाता है कि जब किसी इंटेलेक्चुअल स्टेट्समैन या लीडर के बारे में जब बात करें तो उसके नाम के आगे पीछे बहुत ज्यादा विशेषण नहीं लगाया जाता है, जैसे सर, महामना, विश्व पुरुष और तमाम इस तरह के शब्द नहीं लगाए जाते हैं, नाम ही लिखा जाता है कि जिससे कि लगे कि आप एक निष्पक्ष होकर जो तथ्य के आधार पर जो बात रखना चाहते हैं वो बात लोगों के बीच जाए। नहीं तो क्लास में अगर हम पढ़ाएंगे और उसमें तमाम विशेषण लगाएंगे तो स्टूडेंट ये समझेंगे कि मैं एक निष्पक्ष बात नहीं कर रहा हूं, एक बायस्ड बात कर रहा हूं। इसलिए इतिहास की ट्रेनिंग दूसरे तरीके से होती है। अगर आप अंबेडकर साहब की राइटिंग को भी पढ़ेंगे तो कई लोग कई बार लिखते हैं कि बाबा साहब नहीं बोले, डॉक्टर नहीं बोले, परम पूजनीय नहीं बोले, विश्व धरोहर नहीं बोले। तो जब अंबेडकर साहब की राइटिंग को भी आप देखेंगे तो वो बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखते हैं, वो बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स लिखते हैं, वो कबीर लिखते हैं। तो ये टेक्निकल बात आपको समझना पड़ेगा कि आपसे कम्युनिकेशन जो संप्रेषण हो रहा है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हो रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखे जाने की जरूरत है कि अगर हम बाबा साहब का विशेषण ही लगाते रहे तो आधे घंटे विशेषण ही लगाते रहेंगे। इसलिए मैं उसमें परम पूजनीय, विश्व गुरु, विश्व धरोहर, डॉक्टर, बाबा साहेब तमाम अगर नहीं भी लगाएं तो आप उस बात को समझिए जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं उस पे चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर है। ये बात मुझे लगा कि आपसे साझा किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक राजनीतिक मंच नहीं है, एक समझता हूं एक सामाजिक मंच है और मुझे पढ़ लिख के आपके बीच एक तटस्थ होकर एक इतिहासकार कैसे देखता है तथ्यों को उस रूप में आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। इसमें कई बार हो सकता है कि तथ्यों के आधार पर वैचारिक आलोचना भी हो, मतभेद भी हो, ये सब एकेडमिक्स की दुनिया में चलता रहता है। बहरहाल आज मैं बात कर रहा हूं कि साइमन कमीशन के सामने अंबेडकर साहब का किस तरह का जो बयान था वो क्या था और दूसरा उन्होंने जो लिखित ज्ञापन दिया उस ज्ञापन में क्या तथ्य थे। तो अगर आप साक्षात्कार इंटरव्यू देखेंगे, उनका बयान जो उन्होंने दिया उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट इशू है। वो है मुंबई प्रांत का डिवीजन, कर्नाटक को अलग करने का, सिंध प्रांत का डिवीजन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम के लिए और पृथक निर्वाचन क्षेत्र डिप्रेस क्लास के लिए। चार इंपॉर्टेंट बात उनके साक्षात्कार में उभर कर आता है। तो पहला जो प्रश्न है वो है मुंबई से काटकर भाषा के आधार पर कर्नाटक को बनाया जाना है। इस प्रश्न पे उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि भाषा के आधार पे किसी भी राज्य, किसी भी प्रांत का गठन ये व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है। खास तौर से मुझे लगता है इसलिए उन्होंने ये बात रखी क्योंकि भारत एक बहुभाषाई देश है, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उनको लगा कि शायद
भाषा के आधार पर कितने प्रांत बनाएंगे, कितने प्रोविंस बनाएंगे, इसलिए उन्होंने कर्नाटक के विभाजन का उन्होंने मुंबई के विभाजन और कर्नाटक बनाए जाने का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहां इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कहा कि मेरे विचार से इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो जरूरी बात है कि लोगों के बीच जो कॉमन नेशनलिटी का जो पहचान है उसको ले जाया जाना, उनको ये बताना कि कॉमन जो राष्ट्रीयता का की बात है उसको बताना। यहां आप देखेंगे तो अंबेडकर एक प्रखर राष्ट्रवादी की तरह पेश आते हैं और वो कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुसलमान, सिंधी या कर्नाटकी, दे आर इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे नोट करने की जरूरत है। तो उन्होंने भाषा के आधार पे इसका विरोध किया, उन्होंने क्षेत्र के आधार पे प्रांत बनाए जाने का विरोध किया और उनका मानना था कि जो जो स्थानीयता है ना, जो स्थान की पहचान या भाषा की पहचान, ये जो पहचान है, ये पहचान, ये जो कॉन्शसनेस है, रीजनलिज्म का कॉन्शसनेस है या फिर लिंग्विस्टिक कॉन्शसनेस है, ये राष्ट्र के निर्माण में, नेशनलिज्म के ग्रोथ में बाधक है। इस आधार पर उन्होंने कर्नाटक में बनाए जाने का विरोध किया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था वो सवाल था सिंध के बनाए जाने का। यहां पे उन्होंने जो बात कही वो भी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि यह एक तरह का सेक्शनल मांग है, सेक्शनल, एक सेक्शन, एक क्षेत्र, क्षेत्रीय संकीर्ण मांग की तरह देखते हैं और वो कहते हैं कि जो पांच प्रांतों की जो की बात है उसमें मुसलमानों के बहुसंख्यक समुदाय को वो राजनीतिक बहुसंख्यक में तब्दील बनाना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि धार्मिक बहुसंख्यक को राजनीतिक बहुसंख्यक बनाने की ये बात है, सिंध का बनाया जाना, सिंध का विभाजन। ये कहते हैं कि एक रिलीजियस मेजोरिटी जो है उसको आप बदलना चाहते हैं पॉलिटिकल मेजोरिटी में, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आपको जैसा लगता है कि ये स्कीम जो है सिंध के डिवीजन का, ये स्कीम जितना इनोसेंट और जितना व्यर्थ दिखता है उतना ये है नहीं, इसके बहुत ही गंभीर निहितार्थ हैं। और उन्होंने कहा कि इस स्कीम के पीछे जो पूरी मंशा है वो बहुत ही डरावना है, वो बहुत ही भयानक है, अर्थात इसके पीछे जो साइकोलॉजी काम कर रहा है, जो फिलॉसफी काम कर रहा है, वो है कि न्याय और शांति बनाए रखने के लिए प्रतिशोध की बात को बढ़ाना, प्रतिशोध की बात को बढ़ाना, अर्थात यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि आप शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो सबसे बढ़िया जो तैयारी होगी युद्ध की तैयारी होगी, कि आप युद्ध की तैयारी करेंगे तो आपके डर से शांति बनी रहेगी। ये इंपॉर्टेंट यहां पे बात है। सो अपने जो बयान के समर्थन में, उसके अपने कंक्लूजन के समर्थन में, उन्होंने जो प्रखर उस समय के प्रखर गांधीवादी राष्ट्रवादी नेता थे मौलाना आजाद, उन्होंने मुंबई में मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया था, वो कांग्रेस के थे, और उस भाषण को उद्धृत करते हुए, कोट करते हुए अंबेडकर ने अपने बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद ने उस सम्मेलन में कहा था कि मुसलमानों के पांच प्रांतों के बजाय हिंदुओं के नौ प्रांत होंगे, मुसलमानों के पांच प्रांत के बदले हिंदुओं के नौ प्रांत होंगे, और इन प्रांतों में जो हिंदू बहुल प्रांत है, इन प्रांतों में जो हिंदू मुसलमान के साथ जो व्यवहार करेंगे वही व्यवहार मुस्लिम प्रांत के लोग हिंदुओं के साथ करेंगे। तो सोचिए जो सेक्रेटरिज्म है, जो संप्रदायवाद है, वो कई तरह से आ रहा है, एक कोने से नहीं आ रहा है, वो कई तरह से आ रहा है। तो यहां पे वो कहते हैं कि क्या ये जस्टिफाइड है, तो इसके साथ कई और बातें हो सकती है, लेकिन यहां शायद मुझे लगता है कि ये अलग शोध का विषय है कि हिंदू शोध का विषय है कि हिंदू आखिर मुसलमान को कैसे देखते थे, आखिर कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो उस समय कांग्रेस के अंदर जो हिंदूवादी ताकत है या जो कांग्रेस के और संगठन है, उस समय आरएसएस बन चुका था, हिंदू महासभा बहुत ही उस समय ज्यादा पावरफुल थी, आरएसएस का तो अभी जन्म ही हुआ था, तो वो लोग मुसलमान के बारे में, चाहे आप जो हिंदी जगत है, चाहे वो बनारस हो, नागरी प्रचारणी पत्रिका हो, चाहे इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड हो, वो मुसलमानों के बारे में क्या लिख रहे थे, क्या बोल रहे थे, उनकी क्या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, इसको भी समझना जरूरी है, इसको भी शोध करना जरूरी है कि आखिरकार मौलाना आजाद जैसे लोगों
के अंदर अगर फीलिंग आ रही है तो वो फीलिंग क्यों आ रही है, ये एक अलग शोध का विषय होगा। और आज ये बात और भी ज्यादा प्रासंगिक मुझे दिखता है व्यक्तिगत रूप से, कि आज भारत एक सेकुलर मुल्क है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान के हिसाब से सभी संप्रदाय को जीने का यहाँ पे हक है। लेकिन जिस तरीके से कई पिछले 4-5 वर्षों में जिस तरह से मॉब लिंचिंग खासतौर से मुसलमानों की हुई है, जिस तरह से नेता यहाँ मंच पे भाषण लगाते हैं चुनाव के समय कि देश को गद्दारों को और गाली जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मंथन की जरूरत है कि आखिर ये हेट्रेड, ये प्रवृत्ति, ये वायलेंस ये कहां से आ रहा है। तो इस समय इसकी भी ज्यादा जरूरत है, मुझे लगता है कि साइकोलॉजी, हिंदू साइकोलॉजी भी समझने की जरूरत है। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बात रखी वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने अपने बात के समर्थन में कई उदाहरण उन्होंने पेश किए। जो पहली बात उन्होंने कहा, वो कहा कि यूरोप में विभिन्न समुदाय के लोग एक सरकार और एक निर्वाचन क्षेत्र के अधीन रहते हैं, यूरोप में विभिन्न समुदाय के लोग एक सरकार और एक निर्वाचन क्षेत्र के अधीन रहते हैं, भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, और भी देश हैं जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने कई देशों का नाम लिया और कहा कि बुल्गारिया, ग्रीस या रोमानिया, ऐसे मुल्कों में जो मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है, लेकिन तब भी उन्होंने वहां कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग नहीं की। और कहते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री के स्टूडेंट ये जानते होंगे और उनका अनुभव ये बताता है कि बिना सेपरेट इलेक्टोरेट के, बगैर पृथक निर्वाचन क्षेत्र के, इन देशों के मुसलमानों ने अपने हिसाब से अपने अफेयर्स को मैनेज किया है, इसलिए कॉमनल रिप्रेजेंटेशन गलत है। और यहां पे अंबेडकर साहब ने कॉमनल रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। लेकिन यहां भी एक बात देखे जाने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि यहां पे अंबेडकर साहब ने एक स्वीप जनरलाइजेशन किया है, एक अति सामान्यीकरण, सरलीकरण किया है। यूरोपियन देश और भारत के देश की जो व्यवस्था है उन दोनों को कॉम्परेटिव करके समझे जाने की जरूरत है। क्या यूरोप के देशों में ब्राह्मणवाद या मनुवाद जिसको कहते हैं वो था, जो समुदाय और जातियों के प्रति जो नफरत यहाँ पे विद्यमान थी और अभी भी जो है, क्या उस तरह यूरोप में था? यूरोप में, रशिया में उस समय क्रांति हो चुकी थी, यूरोप में लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरल वैल्यूज, आइडियाज, ये सारे चीज उस समय फल फूल रहे थे। क्या भारत की व्यवस्था में इसके बुनियादी तत्व यहाँ मौजूद थे? तो ये एक जनरलाइजेशन है, और इसको, और जो इतिहास के छात्र होंगे, जो पॉलिटिकल साइंस के छात्र होंगे, इसको बेहतर तरीके से और एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। तो इसलिए ये भविष्य के छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए सवाल मैं आपके बीच छोड़ता हूं कि इस तरह का जनरलाइजेशन, एक स्वीप जनरलाइजेशन इतिहास में कई बार प्रॉब्लमेटिक होता है। जो चौथा उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था डिप्रेस क्लासेस को लेकर, और उन्होंने कहा, जरूर मांग की कि देयर शुड बी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिप्रेस क्लासेस, लेकिन वो कहते हैं कि टेरिटोरियल इलेक्टोरेट, क्षेत्रीय जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, और सेपरेट इलेक्टोरेट दो एक्सट्रीम्स हैं, दीज आर टू एक्सट्रीम्स, इसलिए दोनों को नजरअंदाज करना चाहिए, दोनों को अवॉइड करना चाहिए। उनके हिसाब से जो जो गोल्डन मीन्स है, जो सबसे स्वर्णिम जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ज्वाइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्व सीट, कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र रहे और उसमें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र रहे और उसमें आरक्षण रही है, उनके लिए गोल्डन आइडिया इस समय है, जो कि बाद में देखेंगे कि ये आइडिया वो बदलता है। वो कहते हैं कि रिजर्वेशन से कुछ भी कम अपर्याप्त होगा और इससे ज्यादा किसी भी अच्छे डेमोक्रेटिक सरकार के गठन में बाधक होगा, किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार के बनने में बाधक होगा। यहां पे एक बात याद रखी जानी चाहिए कि कुछ ही दिन पहले कांग्रेस कमिटी ने स्वराज संविधान बनाया था और उसमें भारत के किसी भी दलित संगठन, डिप्रेस क्लास के संगठन या नेताओं को नहीं बुलाया था, फिर भी अंबेडकर यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं कर रहे हैं, ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं। इसलिए यहां पे एक ही बहुत ही स्टॉन्च, एक स्ट्रांग नेशनलिस्ट की तरह, एक पैट्रियट की तरह, एक देशभक्त की तरह वो पूरे
भारत मुल्क को बनाए जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो चाहे मुंबई का डिवीजन हो, चाहे सिंध प्रांत का डिवीजन हो, चाहे मुसलमानों के लिए या दलितों के लिए जो पृथक आरक्षण की बात हो, दोनों सभों मुद्दों से उठकर एक स्टॉन्च पैट्रियट, राष्ट्रभक्त, एक नेशनलिस्ट की तरह अंबेडकर यहां दिखते हैं। इसके बाद अंबेडकर रातों रात चैंपियन, लीडर, देशभक्त की तरह प्रोजेक्ट किए गए और उनके चाहे मित्र हो या शत्रु हो, सबने एक स्वर से अंबेडकर की तारीफ की। तो ये एक पक्ष है। दूसरा जो उनका जो पक्ष है वो है मेमोरेंडम को लेकर कि आखिर उन्होंने जो मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो मेमोरेंडम सौंपा था उससे अलग हटकर, उससे असहमति जताते हुए उन्होंने एक मेमोरेंडम लिखित दिया था। वो मेमोरेंडम में क्या था? तो जो बातें पहले कही गई हैं, चाहे सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर, चाहे डिवीजन को लेकर, वो बातें तो थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातें उस मेमोरेंडम में थी और मैं चाहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण बात और आपसे साझा किया जाए। वो बातें कुछ इस तरह से है कि पहली बात कि कार्यपालिका में कॉमनल प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि कोई भी मंत्री अगर इलीगल काम करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी, कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री हो, एग्जीक्यूटिव का हेड प्रधानमंत्री हो, गवर्नर नहीं हो। चौथी बात कि विधायिका सिर्फ चुनाव द्वारा, जो नेता चुने जाए, विधायक चुने जाए, सिर्फ चुनाव के द्वारा हो, नॉमिनेट नहीं किए जाए। जो पांचवी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि यूरोपियन कम्युनिटी को छोड़कर जो सभी कॉमनल इलेक्टोरेट है उसको भंग कर दिया जाए, सिर्फ यूरोपियन के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था हो। फिर वो एक इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि पहली बार, और शायद जहां तक मुझे लगा है, हो सकता है कि और प्रमाण आए, कि यहां पे अंबेडकर साहब ने वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजेस की बात की कि सबको वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए, और कहते हैं कि यदि वयस्क मताधिकार नहीं मिलता है तो अगर रिस्ट्रिक्टेड हुआ, रिस्ट्रिक्टेड मताधिकार का मतलब है उसमें कई कंडीशन लगाए जा सकते हैं, एजुकेशन का लगाया जा सकता है, आमदनी का लगाया जा सकता है, पैसे का लगाया जा सकता है, ये तमाम है। तो कहते हैं कि जब तक रेस्ट्रिक्टेड मताधिकार रहे तब तक मुसलमान, डिप्रेस क्लास, एंग्लो इंडियंस और गैर ब्राह्मण, जिसका मतलब आज जिसको ओबीसी के सेंस में समझते हैं, गैर ब्राह्मण के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान हो। छठी बात कह रहे हैं कि भाई विधानमंडल के सदस्य 140 हो, 140 जिसमें 33 मुस्लिम्स के लिए और 15 डिप्रेस क्लास के लिए आरक्षित हो। तो ये विधायिका और कार्यपालिका को लेकर कुछ बातें हैं, और विशेष अगर आप जानना चाहते हैं कि और क्या क्या डिटेल्स है मेमोरेंडम में, तो आप देख सकते हैं राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 68-70 आप देख सकते हैं, इसमें सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, वो कहते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कमीशन बनना चाहिए, जो प्रांतीय सिविल सेवा का गठन किया जाए और नौकरियों का, सरकारी सेवाओं नौकरियों का तीव्र गति से इंडियनाइजेशन किया जाए, भारतीयकरण किया जाए, और इस प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग की मांगों को पूरा करने की व्यवस्था हो। तो इस मेमोरेंडम में देखेंगे कि डिप्रेस क्लास के साथ साथ वो पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हो चाहे विधायिका में है, वहां उनके रिप्रेजेंटेशन की बात ये कह रहे हैं। ये पहले मुझे लगा कि दिलचस्प जानकारी है, इसे आपको साझा करो। तो ये एक महत्वपूर्ण बात, एक स्टोरी उसमें उभर कर आती है, और मुझे लगता है कि इस जंक्चर पे, इस समय बहुत सारे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग कहते हैं, और खास तौर से कुछ संगठन और पार्टियां ये फैलाती है कि अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया वो संविधान कट पेस्ट था। तो मुझे लगता है कि ये मेमोरेंडम उनको जरूर पढ़ना चाहिए, और इसमें देखेंगे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजेस की बात है, एग्जीक्यूटिव की बात है, विधायक एमपी चुने जाने की बात है, सारी जो बाद में संविधान में जो मेच्योर होता है सारी बात इसमें आ चुकी है। तो ये जरूर पढ़ा जाना चाहिए। हमारे जो शत्रु है वो तो पढ़ते ही नहीं है, लेकिन हमारे साथियों को भी पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि बहुत सारे जो संविधान में बातें रखी गई उसकी पूर्व पीठिका, उसका पूरा भूमिका, एक बैकग्राउंड इस ज्ञापन में आपको दिखेगा। और ये कहां से आ रहा है, ये 28-29 में की बात हो रही है, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है जो
अंबेडकर का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग है, चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो चाहे लंदन में हो, वहां का जो यूरोपीय जो लिबरलिज्म है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जो वहां जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में या सोसाइटी के टर्म्स में, ये पूरा इम्पैक्ट अंबेडकर साहब के ऊपर वहां से आ रहा है। और भारत का समाज कैसा है, जो पूरा बाद में देखेंगे कि अंबेडकर के अंदर एक एंगर आ रहा है, वो गुस्सा क्यों आ रहा है, ये भारत का समाज कैसा है, स्तरीकृत ऊपर से नीचे तक, जो जिस खाने में पैदा होगा उसी में रहेगा, उसी में मर जाएगा। और हजारों साल से कुछ लोगों को कोई मानवीय अधिकार नहीं दिए गए, कोई अधिकार नहीं दिए गए, अस्पृश्य को गांव से बाहर रखा गया, हेट्रेट नफरत के आधार पर यह समाज हजारों साल तक बना रहा। तो इसलिए उस पूरे जो स्टीरियोटाइप है, जो इंडियन सोसाइटी का जो पूरा स्टीरियोटाइप है, उसको यहाँ पे आप देखेंगे तो वो ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं, वयस्क मताधिकार हो और सबको कम्युनिटी है उसका प्रतिनिधित्व हो। तो इसलिए इस संदर्भ में इसको गंभीरता से पढ़े जाने की जरूरत है। साथियों शुक्रिया, ये एपिसोड कैसा लगा, और मुझे लगता है कि अच्छा अगर लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं और क्रिटिकल समीक्षा करें हमारे विचारों की। अगर मैं गलत कर रहा हूं, मैं पेज नंबर दे रहा हूं, 17 वॉल्यूम खंड 2 पेज 63 से उठाइए, जो मैं कह रहा हूं सब वहीं से पढ़ के कह रहा हूं, उठाकर देखिए। अगर कुछ गलत हो तो मेरी समीक्षा कीजिए, और स्कॉलरशिप के दुनिया में, इंटेलेक्चुअल दुनिया में, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये कोई भी काम कंप्लीट नहीं समझा जाता है, ये हर काम के आगे उसके विकास का एक रास्ता होता है। तो हो सकता है मेरी समझ कुछ कम हो, लेकिन अगर आप बेहतर समझे तो कमेंट में उसकी समीक्षा जरूर जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही साथियों, शुक्रिया, जय भीम। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब अंबेडकर वहां पहुंचे तो क्या क्या घटनाक्रम हुआ, उसके विस्तार से बात करेंगे। शुक्रिया साथियों, जय भीम, शुक्रिया। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।